हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आई अफेयर्स। मैं हूँ स्वाति और डियर कैंडिडेट्स, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि IISER तिरुवनंतपुरम में जो इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम की ओपनिंग निकली है उसकी डिटेल्स क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये PhD प्रोग्राम जो है उसका नाम है वर्षा 2022। इसमें आपको MS प्लस PhD दोनों इंक्लूडेड होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम। तो एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड PhD एडवर्टाइजमेंट वर्षा 2022। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुवनंतपुरम। इन सब्जेक्ट्स मेंशनड है बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। फॉर द सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2022, यानी कि सेशन स्टार्ट हो रहा है 2022 से। आगे देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ओनली, यानी कि एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन हो जाता है। एंड एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन फ्रॉम 29th अप्रैल, यानी कि पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, देर मत कीजिए। यहाँ पर देखिए लास्ट डे मेंशन है 21st मई, तो लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर मेंशन है बैचलर्स डिग्री इन द रेलिवेंट एरिया विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स और CGPA 6.0 फॉर जनरल, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, और अगर पॉइंटर में है तो पॉइंटर 6 मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप OBC NCL कैंडिडेट्स हैं तो आपको कितना 50% मिनिमम होना चाहिए और CGPA 5.5 होना चाहिए फॉर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स। सो SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए ये मार्किंग डिफरेंट है। अब फर्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। तो इसमें देखिए मेंशनड है बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके लिए जनरल एलिजिबिलिटी है, द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड इन ईदर जैम 2022 BT में और JEE BILS GS 2022। ये तो ये बहुत ही क्लियर है। आगे देखिए, फॉर केमिकल साइंस सब्जेक्ट है केमिकल साइंस, और इसके लिए जनरल एलिजिबिलिटी है, देयर विल बी अ मार्क्स बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग फॉलोड बाई इंटरव्यू, यानी कि आपका मार्क्स के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू होगा। फॉर जैम 22 कैंडिडेट्स देयर विल बी अ शॉर्टलिस्टिंग एंड एन इंटरव्यू, ओके। मैथमेटिकल साइंस में देखते हैं, मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इंजीनियरिंग रेलिवेंट एरिया ऑफ साइंस, तो इसमें जनरल एलिजिबिलिटी है और एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड इन ईदर जैम MA 2022 और जैम MS 2022। सो ओके, फिजिकल साइंस में देखिए, सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग एरियाज क्लोजली रिलेटेड टू द रिसर्च एरियाज ऑफ स्कूल ऑफ फिजिक्स। इसमें जनरल एलिजिबिलिटी तो आपको सेटिस्फाई करनी है, साथ ही साथ एप्लीकेंट शुड बी क्वालिफाइड इन जैम फिजिक्स 2022 और जेस 2022 इन फिजिक्स, ओके। अब सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम एनी ऑफ दी स्ट्रीम्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर फॉर 1 or 2 राउंड्स ऑफ ऑनलाइन इंटरव्यूज, यानी आप किसी भी स्ट्रीम में सिलेक्ट हो तो आपको 1 or 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज के लिए बुलाया जा सकता है। टेंटेटिव इंटरव्यू डेट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर बायोलॉजिकल साइंस फर्स्ट राउंड विल बी 2nd June, सेकेंड राउंड 9 to 10 June, केमिकल साइंस 27 to 28 June, मैथमेटिकल साइंस 13 to 14 June, फिजिकल साइंस 23 to 24 June। अगर आपको ज्यादा क्वेरीज है, ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप इस आईडी को गूगल पे कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता दूं। इसमें लिखा हुआ, स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल, यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस URL से, ओके, को कॉपी पेस्ट करके आप डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड, एप्लीकेंट्स विल ऑल्सो बी प्रॉम्प्टेड टू अपलोड नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, फॉर एग्जाम्पल फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट एटसेट्रा इन JPG फॉर्मेट ओनली, ओके। और आपको ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, ऐसे ही वीडियोज के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब सारा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।